शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शक्ति कपूर, आशा, मैं जानता हूं कि एक ही चिंता तुम्हें शांति नहीं पहुंचाती, वो है पायल की। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रामू जी साहब, ये शक्ति को पहुंचा देना। जी हाँ, चलो एक काम तो हो गया, सब पेपर शक्ति के पास पहुंच गए। हेलो, हाँ स्पीकिंग, यस यस, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लंदन से कब आए? मैं ठीक हूँ। काम काज? अरे दोस्त, मेरा काम काज, मजहब, पूजा, सब तुम ही तो हो। अरे तुम्हारी दी हुई एक उम्मीद पे तो जिंदा हूँ। हाँ लेकिन शक्ति, हाँ मुझे इस पर ना उम्मीद ना करना दोस्त, प्लीज ना उम्मीद मत करना यार। पायल? हाँ अच्छी है, एकदम अच्छी है। पिछले दिनों जब मैं वहां गया था तो बहुत खुश हो गई थी। अरे उसने तो मेरे से एक बात पर झगड़ा ही कर लिया। वो तुम्हारे दिए हुए चश्मे है ना, वो सब टूट गए, उन्हें बदलवाने के लिए। हाँ अरे यार, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पायल बड़ी हो गई है यार। हाँ हेलो शक्ति, शक्ति तुम चुप क्यों हो गए? हेलो हेलो शक्ति, तुम चुप क्यों हो गए? प्लीज कंटिन्यू। या शक्ति, जो तुमने, हाँ हाँ हाँ, जो तुमने पेपर मंगवाए थे वो मैं भेज दिया मैंने। हाँ क्या? नहीं 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 शक्ति, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम शक्ति, नहीं ऐसा मत करो शक्ति। देखो देखो, मैं इस उम्मीद पर तो जिंदा हूं शक्ति, अगर ये बात मुमकिन नहीं थी तो। नहीं शक्ति, देखो शक्ति सुनो, आज तक तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैंने माना शक्ति, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी मैंने तुम्हारी भाभी से कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आशा को मैंने बोला कि तू चिंता ना कर। कैसे होगा शक्ति, प्लीज। हेलो 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 शक्ति, अरे क्यों चुप हो गई शक्ति? अरे मेरी उम्मीद तुम हो शक्ति, ये कैसे ठीक हो जाएगा? कैसे चिंता ना करूं? पायल एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा कॉलेज जाते वक्त कोई ना कोई नाटक करती हो, और आज ये बैसाखी। जानी ये तुम नहीं समझोगी, ये हमारा मास्टरमाइंड का कमाल है। अरे यार आजकल बस में बैठने की जगह नहीं मिलती है, और ये बैसाखी हमारा पासपोर्ट है, इसे दिखाने से बस में जगह भी मिल जाती है और साथ में टिकट के पैसे भी बच जाते हैं। ये बॉम्बे है मेरी जान, यहाँ एक ढूंढो। हाँ
अरे रे रे रे, शर्म आनी चाहिए तुमको, लानत है तुम पर। अरे एक अपाहिज लड़की खड़ी है और तुम बैठे हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुमको। हटो हटो, संभाल के बेटी, संभाल के। टिकट टिकट। अंकल मेरी बैसाखी। लाओ बेटी लाओ। कहाँ जाओगे? अरे ठहरो ठहरो बेटी, मैं निकालता हूँ उसमें क्या। ये कहाँ जाओगी? गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल देना। थैंक यू। ये लो। थैंक यू। बेटी बचपन से तुम अपाहिज हो? हाँ अंकल। भगवान की मर्जी के आगे किसका चलता है। बचपन से अपना ये बोझ बैसाखी पे डाले घूम रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं बेटी? माँ माँ का प्यार तो बचपन से ही नसीब नहीं हुआ। और बाप बाप तो इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भगवान। बेटी मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता। लेकिन देखना अंकल, मैं भी अपनी मेहनत से इतना नाम कमाऊंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी, मैं भी किसी से कम नहीं। देखा देखा लक्ष्मी, देखो ये एक लड़की है और एक हमारी लड़की है जो दिन भर कार में घूमती रहती है और हमें बस में धक्के खाने पड़ते हैं। भगवान सभी को ऐसी ही औलाद दे। थैंक यू अंकल। चलो भाई घर सोचते हैं। एक्सक्यूज मी अंकल, मेरी बैसाखी। Yeah, okay. होता है होता है, सबकी औलाद एक जैसी नहीं होती। कमॉन कमॉन लाइए। लक्ष्मी बाय। बाय। ये क्यों हो रहा है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। आउच। अच्छा तो आप इस तरह अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं? अपाहिज बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। मैडम ये मेरी बैसाखी नहीं है। तुम्हारी नहीं थी तो तुम्हारे पास कैसे आई? मैडम जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो एक लंगड़ा आदमी रास्ते को क्रॉस कर रहा था, अचानक एक टेम्पो आ गया और उसे उड़ा डाला। दुख हुआ ना मैडम। अब तू रो मत, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आता है। जा अपने कमरे में जा। अब कभी पायल के खिलाफ कंप्लेन की तो हॉस्टल से निकाल दी जाओगी। इतनी भली लड़की के लिए बुरा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। पायल सीमा ने भी बड़ी भारी चाल चली, तुझे रंगे हाथों पकड़वा दिया। लेकिन पायल ने भी क्या एक्टिंग की है, मैडम को तो रुला ही दिया। तो क्या हुआ, सबके सामने इज्जत तो चली गई। इज्जत किसकी जाती है ये कल सुबह पता चलेगा। Oh,
अरे पहली बार मुर्दे को खाट पे लिटाकर कफन के पैसे जमा करते हुए देखा है। अरे बाप रे, चलो हटो भाई हटो, ये क्या सुबह सुबह भीड़ कर रखी है। अरे साहब ये तो बहुत बड़ा केस लगता है। ए लड़की सोने देना यार। अरे इंस्पेक्टर साहब डरना नहीं, ये तो हमारे कॉलेज की लड़की सीमा है। मैंने रात को इसको बहुत समझाया पर नहीं मानी, बोली लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, मैं तो रोड पे ही सोऊंगी, क्या करें। थैंक यू साहब। मैंने कहा ट्रैफिक जाम हो जाएगा और पुलिस राउंड पे आएगी तो तकलीफ हो जाएगी, तो बोली मैं तो पुलिस को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। क्या पुलिस को ऐसा बोली। ए लड़की साहब उठते ही बेवकूफ बनाकर निकल गई, अब कहाँ ढूंढो। एक्सक्यूज मी बहन जी, आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है जो लंगड़ी नहीं है मगर ऐसे ऐसे चलती है। वो ऐसे ऐसे कुछ चलती थी और कहे ना बेवकूफ, बस में मुझे बेवकूफ बनाकर पकड़ लिया कल लंगड़ी बनी थी, मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे उल्लू बना, पैसे निकाल फुकट की टिकट के पैसे निकाल। तो मैं वो लड़की नहीं हूँ। हर मुजरिम यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। निकाल पैसे। नहीं अंकल, मैंने उसे बहुत समझाया कि लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत कर। किसको समझाया तूने। वो मेरी जुड़वा बहन है, अब देखिए ना आप मुझ अंधी को गलत समझ बैठे। बेटे तुम्हें मुझे माफ कर दो बेटी। कोई मुझे उस पार कर दे। अरे मैं तुम्हें पार करवा दूंगा बेटी। मुझे भी प्रायश्चित करने का मौका दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। कितने खुश नसीब है तुम्हारे माँ बाप जिसे इतनी होनहार औलाद मिली है। संभालो बेटी संभालो। और एक हमारी औलाद है, उफ क्या बताएं उसके बारे में। उस तरफ नहीं बेटी, इस तरफ। हाँ हाँ संभाल के। हाँ बेटी बहुत ही तकलीफ होती होगी ना, अंधी हो दिखाई नहीं देता। क्या करें अंकल, भगवान कोई ना कोई शिकार तो भेज ही देता है। शिकार मतलब रास्ता तो निकल ही जाता है ना। अच्छा। अब देखिए ना कभी टीवी देखने का दिल करे हाँ? तो बेचारे किसी से भी पूछ लो सब समझा देते हैं। अच्छा आप कभी टीवी सीरियल देखते हो। हाँ देखता हूँ ना। आप बिल्कुल टीकू जैसे दिखते हो। गाड़ी संभालना फिर चलेंगे। ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये दूसरी बार मैं बेवकूफ बनाऊ। ये सुनते हो। अरे ये क्या हो रहा है। माफ करना। पायल को ऐसा मजाक तो नहीं करना चाहिए। ये मजाक थोड़ी है, पूरी पब्लिक के सामने बिना टिकट का शो कर दिया। वो सीमा रियल शो तो आज शाम को शुरू होगा। अगर पायल को पूरे कॉलेज के सामने आज नहीं नचाया तो कल से मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे शाम के प्रोग्राम की तैयारी करनी है। हाय हेलो हाय, शाम को सब लोग तैयार हैं ना। फिर मैंने कहा तुमने कभी टीवी देखा। हाय किशोर, काश ये सच्ची का देवानंद होता और तू मधुबाला होती। सच्ची का देवानंद होता। रुमाल है तेरे पास। हाँ अभी देखते देवानंद का कोट कैसे उतरवाती। हाय किशोर। हाय वाओ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें प्रिंसिपल की ऑफिस से लेकर कैंटीन तक ढूंढता आ रहा हूँ। मुझे और तुम, कोई खास काम था। तो आप शाम को क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं या फिर मिमिक्री। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। होता है किसने बुलाया। हट गया। किसका। मेरा। पीछे। कहाँ पीछे कहाँ। सेंटर। नो प्रॉब्लम। एनीवे आज शाम के प्रोग्राम में आप गाना गाएंगी या
मिमिक्री करेंगे जी। मुझे सड़े हुए अंडे और टमाटर खाने का कोई शौक नहीं। जब तू लाल कपड़े पहनकर आती है तो फायर ब्रिगेड नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आग बुझाने आती है और तू आग लगा के जाती है। ड्रेस तो आपने भी लाल पहन रखी है, इरादा क्या है? इरादा आप जान जाएंगे। इस चिट्ठी में लिखा है कि आप सबों के बीच में एक खूबसूरत गर्ल स्टूडेंट की मौजूदगी है जो अपनी सुरीली आवाज में एक गाना पेश करना चाहती है। कौन है वो? रीटा। नो, अब आप सोचिए कि औरत का सबसे खूबसूरत गहना कौन सा होता है? पायल। पायल, 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 Thank you.